वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखो मैं हिली नहीं और ये रोई नहीं, क्या करूं मैं इससे, इसका क्या इलाज है बताओ मुझे। देखो जब तक मैं वहां बिस्तर में बैठी हुई तब तक कोई मम्मा मम्मा कुछ नहीं, खुद दूसरे कमरे में जाके घूम घूम के चाहे जो मर्जी, बट यहाँ पे जैसे ही मैं किचन में आई वैसी मम्मा खराब है। तो गुड इवनिंग, शाम का टाइम हो गया है, बनने का टाइम हो गया है चाय का, तो हम बनाएंगे चाय। हाँ मेरी हालत आप देख सकते हो कि बाल बिखरे हुए हैं और कल से वही कपड़े चले हैं, तो भाई अभी एक ही दिन हुआ है, एक दिन तो सेम कपड़े पहने जा सकते हैं, क्यों सही या गलत। तो आज जैसे कि मेरे को लगा मौसम और दिन में तो बारिश नहीं थी, दिन में तो थोड़ी हल्की सी अभी धूप भी आई थी, बट टेलीपोर्ट करके हमारे पास आ गया। अच्छा ठीक है आप जाओ यहाँ से, चलो सब लोग एक साथ में, आई कैन नॉट हैंडल एवरीवन टुगेदर, आई नो यू डू। ओ चलिए चाय बना लेते हैं, सुमन चली गई है कपड़े लाने के लिए, जो दो तीन दिन से बेचारे कपड़े कभी इधर कभी उधर डोल रहे हैं, कभी छत पे कभी बाहर। इतनी देर में मैं चाय चढ़ा देती हूँ क्योंकि सर्दी का मौसम है और चाय अच्छी लगती है, और आपको मेरे ब्लॉग में चाय 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 सुनने को मिलेगा, ये ट्रेन में जैसे चाय चाय सुनने को मिलता है वैसे मेरे ब्लॉग में मिलेगा, और मेरी हालत पर बिल्कुल मत जाना, लेकिन अगर दिख ही रहे हो तो चले जाओ है ना। चलिए चाय बना लेते हैं। तो शाम के बज गए हैं 7, आज हम बनाएंगे राजमा। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही था कि राजमा बॉईल किए हैं, उनको पहले देख लेते हैं कि कुछ हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उसके बाद ही तड़के की करेंगे हम तैयारी। डांस मेरी रानी, नाच 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 मेरी रानी, नाच 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 मेरी रानी, कर डांस उरू। ये उरु और सुरु ना तब से लेके मेरे, अरे मेरी बिंदी कहाँ गई, मेरी बिंदी कहाँ गई मोगी, मेरी बिंदी कहाँ है, हाँ कहाँ है मेरी बिंदी, आलू, आलू ने ले ली, आलू मेरी बिंदी कहाँ है, आलू ये बोल रही है कि भाई के पास है, कहाँ है मेरी बिंदी मोरे, कहाँ है बिंदी, इसे मेरे बाल दबा रखे अपने पैर के नीचे, अरे नो नो नो, अरे सुनना चक्के से मेरे बाल है जिक्के दे, नाच मेरी रानी करो नाच, तो यहाँ पे जो है राजमा की तैयारी हो रही है, प्याज मैंने काट लिया है, अदरक लहसुन क्रश कर लिया है, और ये रहे टमाटर, कद्दूकस करने का मन नहीं था इसलिए ऐसे काट दिए हैं, और ये रही तेल, रही नहीं रहा तेल कढ़ाई में, और ज़ीरा और धनिया ऐड कर दिया है, और यहाँ पे कर दिया है प्याज मैंने ऐड। रेसिपी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, फिर से वही कहूँगी कि हाँ आज बन रहा था तो फिर से शेयर कर दिया, क्योंकि अब जो डेली हम करेंगे वही आप लोगों के साथ शेयर कर ही देते हैं। तो बस प्याज को पकने देते हैं, और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, लेकिन गैस जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्योंकि बहुत ही कम थी, काफ़ी टाइम से तो गर्म नहीं हो रहा था, ये मतलब पक नहीं रहा था, तो ये मैंने अदरक लहसुन भी ऐड कर दिया है, और ये ऊर भी ठक ठक कर रही है पीछे से, आपको नॉइज़ आ रही होगी, इसके हाथ में कुछ है, इसको बार बार फर्श पे बजाई जा रही है, तो ये अदरक लहसुन भी मैंने ऐड कर दिया है। बीच बीच में मुझे बार बार जो है अपना वॉइस ओवर देते हुए रुकना पड़ रहा है क्योंकि बीच में ऊर भी जो है बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है, बच्चे यहीं खेल रहे हैं, क्या करूँ कहीं शांति नहीं मिल रही अभी बिल्कुल भी। तो इसको पकने देते हैं, उसके बाद इसमें जो है बेसिक सी चीज़ें हल्दी वगैरह मैंने ऐड कर दी है, क्योंकि हल्दी जो है हम बॉईल करते हुए भी डाल देते हैं, नमक भी डाल देते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाली, हल्का सा नमक डाला है, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, तो टमाटर मैंने ऐड कर दिए हैं, टमाटर जो है ये आजकल ना छिलके गलते नहीं है जल्दी से, मुझे कद्दूकस करना चाहिए था बट मैंने नहीं किया वही आलस के मारे, तो अभी जो है टमाटर को थोड़ी देर पकाएंगे, इसको ढक्कन लगा दूंगी मैं, और ये देखो हमारे टमाटर जो है ऑलमोस्ट कुक होने वाले हैं, थोड़ी देर इनको और कुक होने देती हूँ, उसके बाद जो है आज मैं
थोड़े अलग स्टाइल से बनाऊंगी। मैं इसमें ना दही डालूंगी थोड़ा सा, मतलब 4-5 चम्मच या एक कटोरी के करीब। तो ये मैंने, ये देखो दही इसमें ऐड कर दिया है। अब इस दही को इस तड़के में अच्छे से भूनूंगी और इसमें ना मैंने एक चुटकी आटा ऐड किया है, बस एक चुटकी, ताकि दही फटे ना। आप चाहे तो बेसन भी ऐड कर सकते हैं। वैसे अगर जो फ्लेम कम हो ना, इसका गैस जो है हमारी, उसका फ्लेम कम हो और ऐसे चलाते रहे तो भी दही फटता नहीं है। अब ये दही मैंने इसमें ऐड कर दिया है तो इसको अच्छे से हम पकाएंगे। इसमें थोड़ा सा ना मद्रा वाला जो आता है, फ्लेवर आता है राजमा में। तो बस अब ये दही जो है इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे और थोड़ी देर में ये जैसे ही तेल रिलीज़ करने लगेगा, ये देखो आप ऑलमोस्ट हमारा पकने वाला है। और 1-2 मिनट हम और इसको पकाएंगे ताकि जो दही है वो अच्छे से पक जाए, उसका कोई कच्चापन वगैरह ऐसा ना रहे और अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए। तो ये देखो तेल जो है इसमें से आपको अलग से नज़र आ रहा होगा। तो ये हमारा जो तड़का है ये हो गया है रेडी और इसमें हम ऐड करेंगे राजमा। और प्रॉपरली मैं आप लोगों को इसलिए दिखा पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ट्राईपॉड रखने की समस्या है यहाँ पे किचन में, तो एक हाथ से मैं बना रही हूँ और एक हाथ से जो है वीडियो भी शूट कर रही हूँ, तो ऐसा चलता रहता है। तो ये देखिए राजमा मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और थोड़े थिक से राजमा चाहिए तो थोड़ा पानी डाल के, मतलब इसमें था पानी पहले से ही जो जब उबाली थी, उतना करके गैस की फ्लेम कम कर देंगे और हमारे राजमा रेडी हो जाएंगे। जी डिनर तो हमारा हो गया है, जो कि हमारा 9:30-10 बजे करीब हो गया था, लेकिन अभी रात के 11 बजे हैं। ना इसका सोने का मूड है ना उसका सोने का मूड है। उसके सिर में मैंने अपना डाटू बांध दिया है। मेरे एक सब्सक्राइबर है नीरजा शर्मा, उन्होंने मुझसे डाटू मंगवाए थे कि दिल्ली में, उनका दिल्ली में रहते वो, कि धाटू भेजना। बट मैं मार्केट गई, मुझे अभी तक तो फिलहाल धाटू नहीं दिखा कहीं पे, बट अगर मुझे दिखेगा तो मैं ज़रूर भेजूंगी, क्योंकि जो धाटू है ना वो शिमला की तरफ मिलते हैं, सोलन में बहुत कम मिलते हैं। मैंने हालांकि सोलन से ही लिए थे पिछली बार 2। करो डांस करो। ओ दारू दिए बंद बोतले तेरे च किन्ना है नशा, ओ दारू दिए बंद बोतले तेरे च किन्ना है नशा। करो अब डांस। ओ दारू दिए बंद बोतले। तो फिर मैं, अगर मुझे डाटू मिलेंगे तो मैं ज़रूर आपको भेजूंगी। आपका एड्रेस जो है मेरे पास सही सलामत है इंस्टाग्राम पे, तो मैं ज़रूर भेजूंगी आपको अगर मुझे मिले तो, या फिर अगर पॉसिबल हुआ किसी से मंगवाना या कुछ ऐसे, तो कोशिश रहेगी मेरी। मुझे याद है अभी भी आपने मांगे हैं और आप बोलोगे कि कब से लेके मैंने बोल रखा है लेकिन अभी तक मैंने भिजवाया नहीं है। तो ये बात है, तो चलिए सो जाते हैं। अगर क्योंकि जब तक मैं नहीं लेटूंगी तब तक ये नहीं लेटेगा, ये नहीं लेटेगा तो ये भी नहीं लेटेगी, है ना। अरु मेरी बंदर है। हाँ। मैं आपका बंदर हूँ। हाँ, और आप दोनों मेरे बंदर हो, है ना। चलो फिर गुड नाइट रही आप सबको। अभी आपसे इसी व्लॉग में कल सुबह मिलते हैं आप। गुड मोर्निंग। सुबह के जो है 10:45 हो गए हैं। आज हम लोग उठे हैं 9:30 बजे। बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, मतलब एक्सट्रीम लेवल की जो ठंड होती है ना वो है आज, क्योंकि स्नोफॉल अभी भी चल ही रहा है। यहाँ तो नहीं हो रहा है, शिमला की साइड हुआ है। और ये रहा घी, आज बन रहा है बेसन का हलवा। तो घी जो है गर्म हो रहा है, उसके बाद मैं बेसन को छान लेती हूँ और फिर हलवा बना लेती हूँ, क्योंकि ठंड का मौसम है तो ऐसी चीज़ें खाने का बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे जो है दूध गर्म हो रहा है, यही बाल्टी डायरेक्ट रखती हूँ यहाँ पे, क्योंकि स्टील की बाल्टी है तो इस पर हो जाएगी आराम से। चलिए हलवा बना लेते हैं। गैस ने जो है हमें एकदम से धोखा दे दिया है, गैस जो है सिलेंडर ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए हलवा जो है हमें इस कढ़ाई में शिफ्ट करना पड़ा। और अब ये इसमें बन रहा है इंडक्शन कुकर के ऊपर, इंडक्शन चूल्हे के ऊपर सॉरी। तो इसमें बना रही हूँ मैं अब ये बेसन का हलवा, ऑलमोस्ट बनने ही वाला है, बस थोड़ा सा और पकाएंगे तो बनके रेडी हो जाएगा। तो अभी जो है 1 बजने वाला है। उर्वी बिल्कुल भी सोने के मूड में नहीं है, मौसम बाहर बारिश लगी हुई है, बिल्कुल ठंडा है, बच्चों को बाहर तो बिल्कुल ले जाया नहीं जा सकता और खुद भी ऐसा हो रहा है कि बस रजाई में ही बैठे रहो, इतना ज़्यादा ठंडा मौसम है। तो मेरे हो रही है सिर में दर्द, 3 दिन से मेरे सिर में दर्द है, पता नहीं रात में सिर में ठंड लग रही है इस वजह से, ये क्या रीज़न है मुझे खुद भी नहीं पता। बट अभी जो है बस हमें खाना बनाना है। राजमा हमने शाम को बनाए थे, वो थोड़े एक्स्ट्रा बन गए हैं और अभी देखते हैं चावल बनाते हैं या चपाती क्या बनाते हैं। बट गैस ख़त्म हो गई है, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और ऊपर से आज है संडे, ये ब्लॉग खैर आपको भी थोड़ी देर में ही मिल जाएगा।
और हेडेक हो रही है, पता नहीं कुछ फीवर सा फील हो रहा है मुझे, कि जैसे फीवर है पता नहीं क्यों। वैसे तो हम अंदर ही अंदर है, ऐसे बाहर भी नहीं घूम रहे ठंडे मौसम में, पर फिर भी पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। तो ये है बात, अंदर भी ऐसा नहीं समझ आ रहा कि अंदर भी क्या करे क्या नहीं, पता नहीं। मौर्य ने दूध गिरा रखा है यहाँ पे पूरे में, तो बच्चों ने भी अंदर जो है इन तीनों को नहला दिया है, बच्चों को, मौर्य, आदित्य और पूर्वी। ये तीनों नहा के कपड़े वपड़े अच्छे से गर्म पैक इनको कर दिया है, बस हम लोग खुद ही नहीं नहा पा रहे हैं, हमारी अपनी हिम्मत नहीं हो रही है नहाने की, क्योंकि ठंड बोल रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो ये जो वीडियो है ना, इसको भी मैं यहीं पे, हाँ हाँ मैं नेल पेंट लगा रही थी ना, तो मौर्य ने बोला कि मेरे को भी लगाना है, तो मैंने लगा दिया। मिटा दूंगी मैं इसको, है मेरे पास नेल पेंट रिमूवर। दिखाओ मौर्य, दिखाओ, ऐसे थोड़ी दिखता है, ऐसे दूसरी साइड से दिखाओ। लड़की बन गई है देखो। हाँ, दूसरा हाथ दिखाओ। वाह, आदू नहीं लगाएगा, नहीं आदू। अच्छा ठीक है, आदू को भी लगाएंगे। लड़की नहीं है, मौर्य लड़की है ना। नहीं, आदू को भी लगाएंगे अभी थोड़ी देर में। ओके बोलो, ओके। तो ये जो व्लॉग है इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नहीं हो तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी देखते रहिए। और आप सबके एरिया में कैसा कैसा मौसम है ये भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। इस हाथ की तो बेचारे की हालत ऐसी खराब हो रखी है ना, जलने की वजह से, और ये निशान अभी जा नहीं रहा है। किसी ने मुझे कहा था कि इसमें नारियल का तेल लगाते रहो तो निशान चला जाएगा, ठीक है चला जाएगा धीरे धीरे खुद ही, है ना। तो चलो बाय, ज़्यादा बातें हो जाएंगी तो आप लोग बोर हो जाओगे, तो आपको बोर नहीं करना है। बाय।